नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम लिखे हैं या आपको इंतज़ार है अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स का किसी का भी बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट आने का, तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा ये बहुत ही अच्छा न्यूज आया है। क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सभी को जितने भी कॉपियाँ लिखे गए थे एग्ज़ाम का स्टूडेंट लोग, उन लोगों को सभी को मूल्यांकन जो है वो गुरुवार को शाम तक ख़त्म हो चुका है। यानी कि कॉपी का जो भी मूल्यांकन जांच करने का जो प्रक्रिया होता है वो सभी ख़त्म हो गए हैं। बस अब सभी लोगों का जो नंबर मार्क्स होते हैं सभी लोगों को कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा और रिजल्ट जो है वो आपको इस महीने के लास्ट तक आ सकता है। ज़्यादा उम्मीद है कि 20 तारीख तक आ जाना चाहिए। तो क्या कुछ है रिजल्ट को लेकर के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के बहुत ही बड़ा ये न्यूज़ आ रहा है। और आप हमारे चैनल में पहले बार होंगे तो चैनल को लाल रंग का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को निशान को भी दबाइएगा, ताकि इस तरह की जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच रहा हो, उससे कुछ फ़ायदा हो। जैसे ही बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आता है सबसे पहले हम अपने चैनल पर डालते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को निशान को जरूर दबा लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, पटना जिले में बिहार बोर्ड का मैट्रिक मूल्यांकन गुरुवार शाम को ख़त्म हो गया है। बोर्ड की माने तो मई के चौथे सप्ताह रिजल्ट दे दिया जाएगा। पटना जिले में एक केंद्र पर बची हुई उत्तर पुस्तिका की जांच गुरुवार को पूरी कर ली गई है। अंतिम दिन 4000 कॉपियों की जांच की गई। डीपीओ मोइनुल रहमान ने बताया कि मूल्यांकन समाप्त हो गया, सभी अंकों की एंट्री भी देर शाम तक कर बोर्ड को भेज दी गई है। पटना के अलावा दूसरे जिलों में भी अलग अलग मूल्यांकन समाप्त हो गया। सभी जिलों से अंक भी बोर्ड को भेज दिया गया है। साथ ही बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में जुट गया है। और आपको मैं बता दूं कि फिलहाल जितने भी जगह पे सेंटर बनाए गए थे कॉपियों को मूल्यांकन करने के लिए, सभी जगह पे जांच जो है वो कल तक ख़त्म हो चुका है, वो मूल्यांकन हो चुका है। सभी लोग अपने अपने जगह से मार्क्स जो है वो बोर्ड को भेज दिए हैं नंबर सभी लोगों को, और बस आप लोगों को कंप्यूटर पर जो है वो अपलोड हो रहा है, उसका प्रक्रिया रिजल्ट का जो है वो चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो लोग टॉपर आए हैं उन लोगों को 2 से 3 दिन में उन लोगों को कॉल पर सूचित किया जाएगा, जो लोग भी टॉप इसमें हैं, और उन लोगों से स्पेशल इंटरव्यू जैसा लिया जाएगा, बातचीत किया जाएगा 2-3 दिन में। हालांकि इसका प्रक्रिया जो है वो कर लिया जाएगा और रिजल्ट जो है जल्द ही यहाँ पे देख रहे होंगे, टॉपरों को इंटरव्यू और वेरिफिकेशन संपन्न होने के बाद रिजल्ट को फाइनल टच में दे दिया जाएगा और रिजल्ट की डेट घोषित कर दी जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो 20 मई से पहले या उसके आसपास रिजल्ट जारी हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ रहा है। 2-3 दिन के अंदर आपको ये कंफर्म डेट एक तरह से बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया जाएगा कि रिजल्ट 20 को आएगा, 21 को आएगा, 22 को आएगा या कब आएगा। लेकिन उम्मीद है कि मई महीना में ही आएगा, जहाँ तक उम्मीद है कि 20 के आसपास ही आपको आए, 18 को आए, 20 या 25 इस तरह को डेट में मतलब आ सकता है। तो रिजल्ट बहुत ही जल्द ही आने वाला है बिहार बोर्ड को, और ये 2-3 दिन में अनाउंस बोर्ड द्वारा कर दिया जाएगा कि रिजल्ट जो है किस दिन को जारी किया जाएगा कन्फर्म डेट। तो आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो। बिहार बोर्ड के और भी कोई जानकारी चाहिए आपको या किसी और भी बोर्ड को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आपको आएगा मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा कि रिजल्ट आ चुका है, आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए यह नमस्कार, आपका दिन शुभ।